गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ मसाला भिंडी। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है और इसमें मैं डालूँगी 2-3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को हीट करने के लिए रख दिया है, अच्छे से हीट करना है इसको स्मोकी पॉइंट पे। ऑयल मेरा स्मोकी पॉइंट पे गर्म हो चुका है। मैं इसमें डाली हूँ 1 टीस्पून ब्लैक सरसों। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो अगर आप नहीं डालते हो तो, बट है तो आप डाल सकते हो। ये मैंने लिए हैं 2 स्लाइस्ड अनियन। सौते करना है मुझे ऑयल के अंदर अच्छे से। अनियन स्लाइस्ड हो जाएंगे, स्लाइस्ड जो मैंने किए थे सौते हो रहे हैं। और इधर भिंडी आप देख सकते हैं कि मेरी चॉप्ड है। मसाले मैंने लिए हैं 1 टेबलस्पून किचन किंग मसाला, 1 टीस्पून हल्दी, सॉल्ट, धनिया पाउडर, मिर्ची एंड आमचूर। अनियन देखिए मेरे सौते हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ब्राउन मुझे नहीं करने हैं। अब मैं इसमें डालूंगी अपनी जो स्लाइस की हुई भिंडी है। भिंडी की आप शेप देख सकते हो, आप ब्राउन भी कट कर सकते हो। इसको मैं अच्छे से कोट करूंगी ऑयल के अंदर। हाई हीट पर हमें ये करना है ताकि भिंडी हल्का सा फ्राई टाइप से हो जाए, और फ्राइड भिंडी थोड़ी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल एक्स्ट्रा डाला है। अब मैं ये सारे मसाले जो मैंने निकाले हुए थे प्लेट के अंदर, वो भिंडी के अंदर डालूंगी और अच्छे से मिक्स करना है इनको। ये देखिए मिक्स हो चुके हैं। इसमें मैंने डाला था किचन किंग मसाला 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टीएसपी, चिली पाउडर 1 टीएसपी, धनिया पाउडर 1 टीएसपी और आमचूर 1/2 टीएसपी। अब इसको मैं गैस को मुझे सिम कर देना है और कवर कर देना अच्छे से। कोई भी पानी वगैरह हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि भिंडी में खुद का वाटर होता है जिससे वो कुक हो जाएगी अच्छे से। 15-20 मिनट्स हमें ये कुक करना है स्लो हीट पे, जब तक कि हमारी भिंडी प्रॉपर टेंडर ना हो जाए और मसाले अच्छे से कोट ना हो जाए। ये देखिए मुझे लग रहा है कि मेरी भिंडी कुक हो चुकी है, फिर भी मैं कुछ टाइम 2-3 मिनट के लिए और इसे सिम पे रखूँगी। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी क्रिस्पी खाना चाहते हैं, कितनी टेंडर खाना चाहते हैं, उसके हिसाब से 15-20 मिनट्स आप कुक कर सकते हैं। देखिए मेरी भिंडी जो है कुक हो चुकी है। तो मसाला भिंडी बनके मेरी रेडी है और मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा गरम मसाला। आप चाहो तो इस टाइम पे थोड़ा सा आमचूर भी डाल सकते हो, क्योंकि जो स्लाइस्ड अनियन डाला है वो थोड़ा स्वीटनेस पे जाता है, तो अनियन जो लेमन है उससे फ्लेवर उभर के आएगा। किसी भी ग्रीन सब्जी में जनरली हमें टमाटर नहीं डालना चाहिए, तो उसकी जगह खट्टे के लिए आमचूर काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक